नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सॉर्ड इंडिया चैनल पर। सबसे पहले करते हैं एक क्वेश्चन की बात कि सब पूछ रहे हैं कि जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी क्लास के लिए, तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या यही क्वेश्चन आएंगे। भैया देखो, क्वेश्चन पेपर हम लोग सेट नहीं करते हैं, वी आर लाइक जस्ट लाइक टीचर्स एंड वी आर टीचर्स। तो हम लोग वही गेस बता रहे हैं जो भी आपके पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो बताते हैं आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ट्रेंड रहता है, इन क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जाता है या इन चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा सकता है। जो अक्सर अभी देखा गया है, जो CBSE ने क्वेश्चन पेपर पूछे हैं उनके एनालिसिस के आधार पर हम आपको बताते हैं, वही हम लोग बता रहे हैं। ऐसा हमने कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, अदर क्वेश्चन नहीं करने हैं। हम आपको उतना मिनिमम बता रहे हैं जितना करके आप पास हो जाएँ। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि बार बार आप पीयूष सर से या मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यही क्वेश्चंस करने हैं या अदर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पक्का इसमें से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस और भी आएंगे, पर जो ट्रेंड है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कर लीजिए। एटलीस्ट इनमें से क्वेश्चंस लग जाते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 90+ मार्क्स लाने के लिए तो देखो भैया पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी बुक को 3-4 बार रिवाइज करना पड़ता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तब बच्चे टॉप करते हैं, 90+ मार्क्स लेके आते हैं। तो अगर आपकी उतनी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पूरी बुक कर ली है। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस करके ही आप 90 मार्क्स ले आएंगे, 80 मार्क्स ले आएंगे, तो वो संभव नहीं है। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए हमने बताया है कि इतना आप कर लेंगे तो पासिंग मार्क्स आपके जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर नहीं शुरू करेंगे आज। आज हम इम्पॉर्टेंट जो हमने हिस्ट्री के टॉपिक्स बता दिए थे SST में, अब ज्योग्राफी हमने शुरू किया है। तो ज्योग्राफी के जो थर्ड चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, हमारे बोर्ड। ओके, तो हियर वी हैव कम एंड आज टुडेज डेट इज 4th of July 2018। जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। आप देख रहे हैं सॉर्ड इंडिया चैनल और आज हम देख रहे हैं SST के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए। ओके, क्लास 10 कंपार्टमेंट के लिए, क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जाम 2018, ठीक है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो ज्योग्राफी का ही चैप्टर है और वो चैप्टर है चैप्टर 3rd, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो जो भी आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको जो क्वेश्चंस चाहिए वो हम उस बता रहे हैं, हम क्वेश्चंस बता रहे हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक से, और इन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है तो हम आपको नहीं कह रहे हैं, और करते भी तो भी नहीं कहते, क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है कि आप ये चीज़ें खरीदिए। आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हैं, आपको नहीं खरीदनी नहीं खरीदिए, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो चलिए पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वाटर रिसोर्सेज के। तो 2014 में भाई क्वेश्चन आया है, 2014 में क्वेश्चन आया है जिसका नाम है नेम द रिवर ऑन विच भाखड़ा नागल डैम इज लोकेटेड। रिवर नेम ऑन विच भाखड़ा, तो ये तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरे अंकल इसमें काम करते थे और मैंने इसको देखा हुआ है, नागल डैम। तो यह सतलुज पर इसका आंसर है, सतलुज तो मैं लिख दे रहा हूँ, सतलुज इसका आंसर है। सभी के आंसर मैं नहीं लिख पाऊँगा तो आपको ढूंढने हैं, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा, सतलुज इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन 2014 में ही, 2014 में ही पूछा गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर स्कार्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये चैप्टर बहुत आसान रहता है स्टूडेंट के लिए याद करने के लिए जिनका साइंस बहुत अच्छा है, तो क्योंकि ज़्यादातर इसमें साइंस का ही है तो वो अच्छे से कर लीजिए। 2014 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में एक क्वेश्चन और पूछा गया, नेम एनी वन रिवर वैली प्रोजेक्ट विच हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो उस रिवर वैली का नाम देना है जिसने फॉरेस्ट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसका एक आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, एक आंसर मुझे याद आ रहा है, सरदार सरोवर डैम। तो ये इसका आंसर है, जो रिवर वैली ने फॉरेस्ट लॉस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, नेम एनी वन रिवर वैली प्रोजेक्ट विच हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ विल मूव फर्दर एंड इन 2013 and 2017 वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, What was considered a variable alternative to the multi-purpose project and why?
तो इसमें मैं कीवर्ड लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल अल्टरनेटिव टू मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स एंड वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2013 और 2017 में पूछा गया, उसके बाद 4 साल बाद। एक और क्वेश्चन है, नेम द रिवर ऑन विच हीराकुंड डैम इज लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में ही, रिवर नेम जहाँ पे हीराकुंड डैम लोकेटेड है। तो हीराकुंड डैम लोकेटेड है, मैं लिख देता हूँ, बहुत आसान नाम है, महानदी। ये हमने पढ़ा था जब हम लोग छोटे पढ़ते थे आपके जैसे ही। ठीक है, तो महानदी इसका आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, नेम टू टेक्निक्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टू टेक्निक्स टेक्निक्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके दो लिखने हैं, इसके आंसर में बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, रिचार्ज थ्रू हैंड पंप एंड सेकेंड वन इज रिचार्ज थ्रू एबेंडेंट डग वेल। तो ये दो टेक्निक्स है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। 2008 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी शॉर्ट, दैट इज डिफाइन द टर्म टैंक्स। टैंक्स आर द अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंकर्स आर द अंडरग्राउंड टैंक्स ऑफ स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसका आंसर है। और चलते हैं आगे, अब चलते हैं थोड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो हेडिंग डाल लेते हैं शॉर्ट SAQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इसको कर लेना आप लोग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स। वर्किंग ऑफ अंडर ग्राउंड टैंक्स एज अ पार्ट ऑफ, जो अभी हमने देखा था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो आई थिंक सबको ये पता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। 2015 में पूछा गया, उसके बाद 2014-15 में और 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दो अलग अलग तरीके से, मगर वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ही। तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है इस चैप्टर के लिए। 2012 और ऊपर भी आप देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ही है। 2014 में और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पर इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छी तरीके से बेटा क्रैम कर लीजिए, जिनको समझ में नहीं आता जो भी करना है कर लीजिए, पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, पूछा गया है 2015 में, वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक्सेसिव यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट में लिख भी दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए बुक में से। बुक में दिया गया वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोइटेशन कॉमा एक्सेसिव यूज एंड
अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कर लीजिए अच्छे से। इस पे पूछा गया एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2014 में, 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसको आप कर लीजिए। मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स। ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में है तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड, हैव फेल्ड टू अचीव, टू अचीव द पर्पस, द पर्पस फॉर विच देवर बिल्ट, देवर बिल्ट। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको भी जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, जस्टिफाई गिविंग रीजन्स। तो इसको ये इस पर क्वेश्चन आया है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए आप लोग। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं, हाउ हैज़ ए 2014 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये थोड़ा डार्क हो रहा है। 2014 में एक क्वेश्चन है, हाउ हैज़ एग्रीकल्चर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, हाउ हैज एग्रीकल्चर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 2013 में हॉट क्वेश्चन पूछा गया है एक, तो उसको मैं दे रहा हूँ। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, इज इट पॉसिबल, थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है, दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेस बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ थ्री रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के साथ हेल्प एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। 2013 में आया हुआ है, 2013 में एक और आया है, हाउ डज अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल लीड टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये 2013 में एक और क्वेश्चन आया है, हाउ हैज अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल लेड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो आप दिल्ली के आसपास ऐसे एरिया में होंगे जहाँ वाटर की स्कार्सिटी हुई है इन वजह से, तो आप इस पर बहुत अच्छे से आंसर लिख देंगे,
फिर देखिए 2009 में, 2009, 10, 11, 14, 17 में क्वेश्चंस पूछे गए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में. मल्टी, व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है ये अच्छे से कर लीजिए. बी इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया, सॉरी क्वेश्चन है, व्हाई डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम द रिवर डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? व्हाई डिड पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा लिखा है, मैं पंडित नेहरू लिख रहा हूँ, प्रोक्लेम द रिवर डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? एक्सप्लेन द मेन रीजन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेडली. उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, 2012 में पूछा गया और 2012-13 में पूछा गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज. तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, सभी के बारे में मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. तो हाउ हैज़ इरीगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, 2014 में क्वेश्चन पूछा, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ हैज़ इरीगेशन चेंज द क्रॉपिंग सिस्टम, हाउ हैज इरीगेशन चेंज्ड द क्रॉपिंग सिस्टम, सॉरी क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल लैंडस्केप, इट्स इम्पैक्ट ऑल्सो, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल लैंडस्केप. ठीक है, तो ये हमको कर लेना है. ठीक है, 2012 ये पूछा गया 2012 में. उसके बाद 2010-11-15 में क्वेश्चन आया है, व्हाई आर डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसीडर्ड अ वाइएबल अल्टरनेट? ठीक है, तो भैया वाटर हार्वेस्टिंग पे ही क्वेश्चन है, तो वाटर हार्वेस्टिंग पूरा लिख दे रहे हैं. वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये है. ठीक, और इसके बाद है हाउ डू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, 2012 में क्वेश्चन आया, आप उसको देख सकते हैं, एक ही बार अभी तक पूछा गया है. हाउ डू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जर्ट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स? ठीक है, इंडस्ट्रीज एग्जर्ट प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, इसके बाद पूछा गया है एक और सोशल लैंडस्केप वाला क्वेश्चन है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं. इसके बाद व्हाई इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन राजस्थान, ये हम कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, रिपीट हो गया है. व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी पे एक क्वेश्चन आया 2014 में, वाटर स्कार्सिटी, तो ये वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड पूरा चैप्टर ही वाटर रिसोर्स पे, तो वाटर स्कार्सिटी को अच्छे से पढ़ लिए. ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2013 में पूछा गया, अभी तक नहीं आया, मगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा, कि द नेम ऑफ द टू मूवमेंट्स दैट अपोज्ड द मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स,
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, ये पूछा सकता है, तो मल्टीपर्पज के बारे में अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 2013 में ही पूछा गया प्रॉब्लम, ये था एक्सप्लेन वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पुअर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पुअर्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, इसको अच्छे से कीजिए। एक्सप्लेन द टैंकर्स, ये हमने कर लिया है, इसको अच्छे से कर लीजिए। एक्सप्लेन द टैंकर्स भी शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है, थिंक इट विल बी विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू, ओके, तो इसको कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 2012 में, 13 में, 15 में पूछा गया है, और ये है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, ए हो गया। इसके बाद बी है, बी में हो गया व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉज, तो वाटर स्कार्सिटी पे है, वाटर स्कार्सिटी एंड कॉजेस, इसके कॉजेस कौन से हैं, और सी एक और है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज एमपीपी पर्पस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो इनके बारे में बात करनी है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, अब हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, देर आर नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस और जो रिपीटेड हुए हैं बहुत सारे ईयर्स में, उसकी हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन LAQ, ठीक है, LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग में है, पहला क्वेश्चन आया है भाई 2008 में, 8 में बोर्ड थे जब, ठीक है, उसके बाद आया ये 10 में, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर 15, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे तरीके से पूछा गया है, मैं सिर्फ मेन थीम का नाम लिखूंगा, मगर मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। How have the growing population, industrialization and urbanization led to the water scarcity? Next ये पूछा गया, explain any four reasons responsible for water scarcity in India. How have industrialization, next, how have industrialization, urbanization aggravated water scarcity in India? Give three reasons of water scarcity in post-independent India. Next दिया है इसमें एक statement वाला, 3/4 of the earth surface covered with water but there is still scarcity of water across the globe. तो भैया टॉपिक का नाम है वाटर, बड़े बड़ा लिख दे रहे हैं वाटर स्कार्सिटी, इस पर लॉन्ग में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कर लेना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ये टॉपिक हो गया है, वाटर स्कार्सिटी पे कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2012 में, तीन सेट में, 2012 के तीन सेट्स में और फिर 2014 में पूछा गया, तो इसको हम देख ले रहे हैं। अब बहुत सारे तरीके से पूछा गया, फिर मैं लिखूंगा टॉपिक का नाम, व्हाई इज देयर एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, मेंशन थ्री रीजन व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ वाटर के रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हम पढ़ चुके हैं तो इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। हाँ आ ही गया, चलो मल्टीपर्पज़ भी भैया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया 2008 में, फिर उसके बाद पूछा गया 10 में, फिर 12 में और फिर 13 में, ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है,
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो इनके ऊपर कर लीजिए तैयारी, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये है 2000 ये आया है 10 में, उसके बाद 11 में, फिर 12 में, फिर 13 में, 13 के बाद ये पूछा गया अभी पिछले साल 17 में। क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन टू ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व द स्टोर वाटर। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया है इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अभी अगले उसमें बात करेंगे वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में, जो एग्रीकल्चर है फोर्थ चैप्टर, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो हम देख लेंगे उस चैप्टर में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझको उम्मीद लग रही है कि आप सब ने अभी तैयारी अच्छे से चली रही होगी, क्योंकि आज हो गई 4 जुलाई और 10-12 दिन बाद एग्जामिनेशन है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट लेवल कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना दूँ, अगर कुछ हमारी भी लिमिटेशंस हैं और मजबूरियाँ हैं। कल देखते हैं कि आपके लिए ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि कल थोड़ा हमको हॉलीडे मिला हुआ है, उसमें पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आप पूछते हैं बहुत अच्छा पूछते हैं, मगर कभी कभी किसी का लैंग्वेज थोड़ा ख़राब हो जाता है क्वेश्चन पूछने में, तो प्लीज़ बेटा थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। सोशल पोर्टल पर आप बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और रखना चाहिए, क्योंकि वो इट रिफ्लेक्ट्स योर कि आप कैसा आप हैं कैसे, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चंस का देने में हमें कोई हर्ज नहीं है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सॉर्ड इंडिया से हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सॉर्ड इंडिया पेज बना हुआ है, और यूट्यूब पे भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम क्वेश्चंस के जवाब देते ही रहते हैं आपको, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ईश्वर से बस यही प्रार्थना रही कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहे जिंदाबाद रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।